आपका स्वागत है आज के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रही है और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दरअसल हुआ ये है कि चीन ने अपने दूसरे पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-31 यानी FC-31 को डेवलप कर लिया है। चीनी रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि यह पांचवी पीढ़ी का एक सुपर फाइटर जेट है जिसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। हालांकि दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ चीन के इस दावे को पूरी तरह से सही नहीं मानते, लेकिन ड्रैगन की प्लानिंग के अनुसार चीन के इस फाइटर जेट का भारी मात्रा में प्रोडक्शन करके इसकी सप्लाई दुनिया के उन देशों को करना चाहता है जो चीन के गुलाम बन चुके हैं और ड्रैगन ने उन्हें कर्ज के जाल में जकड़ रखा है। चीन का मकसद इस फाइटर जेट का भारी मात्रा में प्रोडक्शन करके और इसको अपने गुलाम देशों को सप्लाई करके भारी मात्रा में मुनाफा कमाना है, ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से चीनी इकोनॉमी, जो इस समय लड़खड़ाते हुई दिखाई दे रही है, उसे पटरी पर लाया जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मुहिम में चीन का गुलाम पाकिस्तान उसका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब में आयोजित हुए चीनी एयर शो में FC-31 को देखने के बाद पाकिस्तान द्वारा ऐलान किया गया है कि वह चीन के FC-31 फाइटर जेट की खरीदारी करेगा। इसके अलावा चीन ने FC-31 फाइटर जेट को ग्लोबल लेवल पर प्रचारित करने के लिए इसका एक प्रमोशनल वीडियो भी जारी की है, ताकि दुनिया के अन्य देश भी इसको खरीदने के लिए आगे आएं और चीन की तबाह हो चुकी इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। अगर बात करें ग्लोबल लेवल पर, तो अमेरिका के पास दो तरह के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान मौजूद है, जिसमें से पहला है F-22 रैप्टर, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू मान माना जा रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका ने इस फाइटर जेट के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा रखा है। अमेरिका द्वारा अपने दूसरे पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 का एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि F-22 रैप्टर के बाद F-35 ही पांचवी पीढ़ी में दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर फाइटर जेट है और इसे ग्लोबल लेवल पर कनाडा और इजराइल जैसे देश ओन परेड कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका ने अपने F-22 रैप्टर फाइटर जेट को लेकर जिस तरह की रणनीति कायम कर रखी है, ठीक उसी तरह की रणनीति पर ड्रैगन भी आगे बढ़ रहा है। यानी कि चीन ने भी अपने J-20 फाइटर जेट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा है। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को देखते हुए चीन भी अपने J-20 फाइटर जेट को लगातार घातक बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तव में चीन का J-20 फाइटर जेट 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट, जिसे फ्रांस का राफेल आसानी से धूल चटा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चीन अब तक 250 की संख्या में J-2 फाइटर जेट मैन्युफैक्चर कर चुका है। ऐसे में भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को भी जल्द से जल्द पांचवी पीढ़ी के ऐसे योद्धा की सख्त जरूरत है, जो युद्ध के मैदान में चीन के J-20 फाइटर जेट की अकड़ ढीली करने में सक्षम हो, क्योंकि भारत जिस एमका प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, उसके बनने में कम से कम एक दशक का समय लग जाएगा। हालांकि आपको बता दूं, एमका की फर्स्ट फ्लाइट को साल 2028 से 2029 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट के बाद इसके मैन्युफैक्चर होने और सेना में शामिल होने में समय लगता है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द फ्रांसीसी फाइटर जेट प्रोजेक्ट यानी सुपर राफेल प्रोजेक्ट में भारत दमदार एंट्री हो सकती है, या फिर भारत अमेरिका से F-35 फाइटर जेट की खरीदारी कर सकता है, लेकिन इसकी संभावना काफी कम है। समय सवाल उठता है कि आखिर भारत अमेरिकी फाइटर जेट F-35 के मुकाबले फ्रांस के सुपर राफेल को अपने लिए ज्यादा कंफर्टेबल क्यों मान रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस बात पर डिस्कशन तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि आखिर भारत के स्वदेशी एमका प्रोजेक्ट में देरी का कारण क्या है। दोस्तों, भारत के एमका प्रोजेक्ट में देरी का सबसे बड़ा कारण है पहले से मिल चुके ऑर्डर। आपको जानकर हैरान होगी कि भारत को जिस तादाद में फाइटर जेट के प्रोडक्शन की जरूरत है, उस हिसाब से HIL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास मैन पावर उपलब्ध नहीं है,
और ना ही HL के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि एक साथ कई प्रोजेक्ट के फाइटर जेट का प्रोडक्शन किया जा सके। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड इसके लिए नई नियुक्तियां कर रहा है, लेकिन भारत सरकार ने पहले से ही HL को तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 के लिए काफी बड़ा ऑनर्डर दे रखा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड भारत का पहला तेजस मार्क 1 फाइटर जेट 15 अगस्त को लॉन्च करने जा रहा है, लेकिन इनके प्रोडक्शन में सबसे बड़ी दिक्कत इंजन सप्लाई की है। इसके लिए भारत ने अमेरिका से F-404 इंजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन की है, लेकिन अमेरिका ने सितंबर से हर महीने एक या दो इंजन देने का वादा किया है। भारत सरकार इसकी आपूर्ति में तेजी लाने के लिए अमेरिका से बातचीत कर रही है, लेकिन अमेरिका पहले से ही अन्य प्रोजेक्ट में बिजी होने के कारण भारत को ठीक रफ्तार से इंजन की सप्लाई नहीं कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका द्वारा की जा रही इस मनमानी को देखते हुए भारत ने एक बार फिर से अपने कावेरी इंजन पर काम करना स्टार्ट कर दिया है, जिसे कावेरी 2 प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस प्रोजेक्ट में फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन भारतीय डिफेंस कंपनी के सहयोग में उतर चुकी है और भारतीय डिफेंस कंपनी GTRI के वैज्ञानिकों द्वारा दावा किया गया है कि कावेरी इंजन बहुत ही जल्द तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के लिए तैयार हो जाए। भारतीय वैज्ञानिक इस इंजन को इस लेवल पर भी तैयार कर रहे हैं कि यह भारत के AIIMS का प्रोजेक्ट और उसके बाद 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में भी इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन भारत द्वारा जब तक खुद का इंजन डेवलप नहीं कर लिया जाता, तब तक भारत को अमेरिकी इंजन पर डिपेंड रहना पड़ेगा और पहले तेजस मार्क विमान और उसके बाद तेजस मार्क 2 फाइटर जट को डेवलप किया जाएगा, जिसके बाद ही AIIMS का नंबर आ सकेगा। यही कारण है कि इसमें कम से कम 10 सालों का समय लगने वाला है और तब तक चीन व पाकिस्तान इस मामले में भारत से काफी आगे निकल सकते हैं। हालांकि दोस्तों, रूस के पास भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान A-57 मौजूद है, जिसे रूस द्वारा भारत के साथ मिलकर ही डेवलप किया जा रहा था, लेकिन कुछ मामलों में बात न बन पाने की वजह से भारत इस प्रोजेक्ट से अलग हो गया था। हालांकि आज भी भारत ने इसे खरीदने के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन फिलहाल के लिए भारत फ्रांस के सुपर राफेल पर ज्यादा फोकस कर रहा है। दोस्तों, तो तमाम भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि फ्रांस का सुपर राफेल चीन द्वारा डेवलप किए गए सभी फाइटर जेट से ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में भारत फ्रांस के इस मायावी योद्धा को ज्यादा महत्व दे रहा है। अगर अमेरिका के F-35 फाइटर जेट की बात करें, तो अमेरिका भारत को अपने F-15 ईगल और F-21 लड़ाकू विमानों का ऑफर दे चुका है।